शुक्र है हम इसमें नहीं गए गाड़ी लेकर। मुझे नहीं पता गाड़ी हम वापस कैसे मोड़ेंगे, वो बाद में देखेंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम घर में व्लॉग शुरू नहीं करेंगे, आज हम ऐसी जगह पे व्लॉग अपना शुरू करते हैं ना जहाँ से ऑफ रोड भी होगा। देखो भाई लोग, यहाँ से आपको खूबसूरत से घर देखने को मिलेंगे, खूबसूरत सा पहाड़, और काश आज बर्फ होती तो बहुत ही खूबसूरत दिखता। हमारा बीस तैयार है, फुल रेडी ऑफ रोड के लिए, और हमने थोड़ा सा खाना भी उठाया है लेकिन बनाना वहीं पे है। कैसे क्या बनाएंगे, मजा आ जाएगा। आज व्लॉग शुरू करते हैं, अपना प्यार बरसाएं। पूरा व्लॉग देखने के बाद अपना कमेंट जरूर किया करें, लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्रेस द बेल आइकन। भाई साहब हम फुल तैयार हैं, और इसको मैंने सुबह टेस्ट किया घर में कि अगर हम आज किसी जगह पे फंस गए तो ये काम करेगा कि नहीं, इसलिए इसका टेस्ट भी हो गया सुबह सुबह। शुरुआत करते हैं, बिस्मिल्लाह करेंगे। सवारी दे दो मुझे, दोगे? दे दो। चलो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह, अपना सफर हम शुरू करते हैं। यहाँ से आगे पूरा ऑफ रोड है, ठीक है। भाई साहब का कहना है कि यहाँ से आगे ट्रैक्टर जाता है, दैट मींस ट्रैक्टर गया तो भाई हमारा घोड़ा तो जाएगा ही जाएगा। क्या भाई साहब, यहाँ से एक सेकेंड। ओ हो, बिस्मिल्लाह। अभी 4x4 हम नहीं लगा रहे। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है। थोड़ा राइट, बस रहने दे। रुक जा, यहाँ से क्या लगा। ओ भाई, शुक्र है हम इसमें नहीं गए गाड़ी लेकर। यहाँ से हम आगे चलेंगे। बच्चों क्या हाल है? मुझे लग रहा है इसके ऊपर ड्रोन उड़ाना पड़ेगा, वही इसको फिर हवा देगा अच्छे से। पहला कोटा इज रेडी। बिस्मिल्लाह,
شباش अभी फाइनली तैयार हो रहा है इस खूबसूरत से नजारे में। आई विश अभी बर्फ होगी ना तो मजा आएगा। मुझे नहीं पता गाड़ी हम वापस कैसे मोड़ेंगे, वो बाद में देखेंगे। पहले बारबेक्यूज खाएंगे। चोने कसोस याको बहुत लड़े जो सुशील के भाई बहुत लड़े। बिस्मिल्लाह करते हैं। ओ आ कौन चेक क्या मैरिनेट करके है। ओह बहन ने किया है भाई, हमारी तरह थोड़ी करेंगे। थैंक्स टू माय सिस्टर मैरिनेट भाई, पहली बार ऐसी बारबेक्यूज खा रहा हूँ मैं, और वो भी इस खूबसूरत से नज़ारे में। पता नहीं बच्चे लोग आ गए थे, मैंने सोचा था हमारे साथ खाएंगे वो, लेकिन खूब आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ी सी ऑफ रोडिंग बस आज की पार्टी एक्सपेक्टेड रही। जो पिछला व्लॉग था और ये व्लॉग, इसके बीच में जो गैप है वो 5 दिन की है। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं मेन टाउन त्राल से, यहाँ तक आपको 40 मिनट्स लगेंगे, और यहाँ से ऊपर फिर ऑफ रोड है। यहाँ से ऊपर नॉर्मल गाड़ी नहीं आएगी, गाड़ी आपको नीचे रखनी पड़ेगी। इफ़ यू हैव 4x4 व्हीकल तो बराबर यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ बैठ के आप अच्छा सा नज़ारा ले सकते हैं। और हाँ, अगर बर्फ़ हुई, अगर बर्फ़ गिरी तो फिर हम ज़रूर यहाँ पे जो है नाइट कैंप करेंगे। नाइट कैंप हमें 2-4 करने हैं, एक तो यहाँ पे, दूसरा कल मैंने दिखाया था और एक व्लॉग में, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद भी मैंने दिखाया था कहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे, स्नो में। यस, अभी यहाँ पे कुछ टाइम बैठेंगे, उसके बाद आगे की ओर निकलेंगे। और इस जगह का नाम है दुधमर्ग। ऐसे प्लान पहले था कि खाली मैं आऊँगा, लेकिन दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, उसके बाद बासित, उसके बाद यासिर और वारिस आ गए। इनके नसीब में था, इसको कौन टाल सकता है भाई। कोशिश किया था मैंने यहाँ से गाड़ी आ जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है इन बड़े बड़े पत्थरों में, और रोड भी नहीं है। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं ग्रीनरी के ऊपर अपना व्हीकल चलाऊँ, और मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ डीप जंगल्स में अपने 4x4 नहीं लेके जाएँ, ग्रीनरी के बीचों बीच अपना 4x4 नहीं लेके जाएँ। सेव द नेचर, तब जाके हम इस दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी। चले दे दो भाई सामान पूरा, हमने अपने बीस्ट को कहाँ पर चढ़ाया है। ये वाली गाड़ी हमने यहीं पे रखी थी मेन रोड पे।